शुद्ध भोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी मटर पुलाव कैसे बनते हैं। प्लीज मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके से बनके रेडी होते हैं और 5 मिनट में भी बन जाते हैं उबले हुए चावल से। चलिए मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने धनिया लिया है, ये मैंने नमकीन लिया है, ये मैंने 4-5 काली मिर्ची ली है, ये मैंने कड़ी पत्ता लिया है, ये साबुत लाल मिर्ची ली है और जीरा लिया हुआ है, ये मैंने मटर लिया है, ये 2 बड़ी चम्मच घी लिया है शुद्ध देसी घी, ये बने हुए चावल थे। चलिए मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बनते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है, गर्म हो चुकी है। अब मैं 2 बड़े चम्मच घी डालूंगी। ये गर्म हो चुकी है, अब मैं इसे कड़ी पत्ता साबुत लाल मिर्ची डालूंगी और जीरा भी डालूंगी। और काली मिर्ची भी डालूंगी। अब मैं इसको अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें मटर डालूंगी, इसको भी मिक्स करूंगी। बहुत सादा और सिंपल है और जल्दी भी बन जाते हैं। ये मटर भी अपनी पक चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी चावल, पके हुए चावल, कौन से भी ले सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल सादा और सिंपल है। अब मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। थोड़ा सा चाट मसाला भी डालूंगी। मैं इसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये मटर पुलाव बनके तैयार है। अब मैं प्लेट में डालूंगी। तरीके से बनके तैयार है। अब मैं सारे धनिया भी डालूंगी। नमकीन सेव डालूंगी बारीक वाले।
इस तरीके से बनके तैयार हो जाते हैं और झटपट भी बन जाती है मटर पुलाव। खाने में स्वाद बहुत अच्छा आता है। प्लीज आप भी बनाइए, आप भी खाइए।